Hi guys, this is Neha Sharma. Today we are discussing about analysis of financial statements, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण. Guys, chapter number 10 जो है हमारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण या analysis of financial statements के regarding जो basic introduction है वो हमने previous lecture में किया था. Hopefully आपको समझ आया होगा. अगर आपका कोई भी doubt है तो आप मुझसे contact कर सकते हैं और group के अंदर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग पढ़ा था कि वित्तीय विवरण होता क्या है, राइट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरण के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइक बैलेंस शीट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर. तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण के प्रकार. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो वित्तीय विवरण है, उसका एनालिसिस कितने प्रकार से किया जाता है, राइट? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एनालिसिस जो है, उसका विश्लेषण जो है, वो कितने प्रकार से, कितने टाइप से किया जाता है, वो टाइप्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं. फर्स्ट है एक्सटर्नल एनालिसिस, राइट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का पहला तरीका कौन सा है? एक्सटर्नल एनालिसिस. हिंदी में हम इसको कहेंगे बाह्य विश्लेषण. अब एक्सटर्नल एनालिसिस जो है, बाह्य विश्लेषण जो है, उन पार्टीज के थ्रू किया जाता है जो पार्टी हमारे बिजनेस से इनडायरेक्टली लिंक्ड होती है. मतलब जो एक्सटर्नल पार्टी है, जो हमारे बिजनेस से बाहर की पार्टी है, जैसे बैंक हो गया, ठीक है, रिसर्चर्स हो गया, मतलब कोई भी शोधकर्ता हो गया, गवर्नमेंट होगा, ठीक है, बिजनेस से बाहर की पार्टी के द्वारा जो भी एनालिसिस किया जाता है उसको हम एक्सटर्नल एनालिसिस बोलते हैं. गाइस, ध्यान से नोट करिए, एक्सटर्नल एनालिसिस नाम से ही क्लियर है, ऐसी पार्टी जो बिजनेस से बाहर के लिए है, ठीक है, बाहर के लोग, बिजनेस से बाहर के जो लोग हैं या पार्टी है, उनके द्वारा जो एनालिसिस किया जाता है, जो विश्लेषण किया जाता है, उसको हम एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड टाइप है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, इंटरनल एनालिसिस के द्वारा, ठीक है. इंटरनल एनालिसिस को हम हिंदी में कहते हैं आंतरिक विश्लेषण. अब नाम से ही क्लियर है इंटरनल एनालिसिस. इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर होता है, ऐसी पार्टी जो बिजनेस से डायरेक्टली लिंक्ड होती है, जो बिजनेस के अंदर जो भी पर्संस होते हैं उनके द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है, जो एनालिसिस किया जाता है, जो कंक्लूजन निकाला जाता है, उसको हम इंटरनल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है. अब इंटरनल एनालिसिस को कौन कौन कर सकता है? यह कंपनी के ओनर्स, शेयर होल्डर्स व मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है. क्योंकि जो किसी भी कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, जो मालिक होते हैं, शेयर होल्डर्स मतलब अंशधारी जो होते हैं, मैनेजमेंट जो प्रबंधक होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है. क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के अंदर की पार्टी होती है, ठीक है. जो बिजनेस के अंदर की पार्टी के द्वारा जो एनालिसिस किया जाता है उसको हम इंटरनल एनालिसिस बोलेंगे, राइट? अब नेक्स्ट जो टाइप है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का या वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने का जो अलग तरीका है, इनके अलावा जो दूसरा तरीका है, वो क्या है? हॉरिजेंटल एनालिसिस. हॉरिजेंटल को हम डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं. हिंदी में हम हॉरिजेंटल को कहेंगे क्षितिज गतिशील विश्लेषण, राइट? हॉरिजेंटल एनालिसिस के रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन है वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर करेंगे. जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तब आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा. हालांकि बेसिकली मैं आपको भी बता देती हूँ थोड़ा समझने के लिए, ताकि आपको जब आप क्वेश्चन करें तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो. हॉरिजेंटल एनालिसिस जो होता है वो रो, देखो हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है? रो वाइज, ठीक है. रो वाइज कैलकुलेशन करना, रो वाइज एनालिसिस करना, रो वाइज कंक्लूजन निकालना हॉरिजेंटल एनालिसिस बोला जाता है, ठीक है. अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी
तब उसमें आपको बताऊंगी कि होरिजेंटल एनालिसिस किसकी हेल्प से किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टाइप है फाइनेंशियल एनालिसिस करने का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विश्लेषण करने का, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने का जो अलग तरीका है इनके अलावा, वो है वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस, राइट। हिंदी में हम इसको कहेंगे लंबवत या स्थिर विश्लेषण। गाइज नाम से ही क्लियर है, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, कॉलम वाइज, कॉलम मतलब स्ट्रेट। जैसे ये रजिस्टर की लाइन है तो ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, राइट। तो कॉलम वाइज जो कैलकुलेशन होती है, कॉलम वाइज जो कंक्लूजन निकलता है, जो एनालिसिस होता है, उसको हम वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं, राइट। अब गाइस देखिए, ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसी कौन कौन सी तकनीकें हैं जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं, ऐसे कौन से तकनीकी हैं या तकनीकें हैं कि भाई जिनके अलावा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण हो सकता है, राइट। अब देखिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट है हमारा कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होता है गाइस, वो आपका हॉरिजेंटल एनालिसिस का पार्ट है। किसका पार्ट है, हॉरिजेंटल एनालिसिस का, राइट। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है गाइस, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर के साथ करंट ईयर को कंपेयर करना, प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशंस को करंट ईयर की कैलकुलेशंस के साथ कंपेयर करना, ताकि ये पता लगा सके कि भी प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा बेटर थी या करंट ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा बेटर है। तो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है जो दो साल की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगा। किसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगा, किसी भी बिजनेस की टू ईयर्स से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको कैलकुलेट करता है, ठीक है। डिटेल में हम क्वेश्चन के अंदर कर लेंगे। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट आती है, पहला है कंपेरेटिव बैलेंस शीट, क्या है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट, और दूसरा है आपका कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अंदर दो स्टेटमेंट आती है, एक तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट आ गया और दूसरा कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया था गाइस, जो बैलेंस शीट बनाई थी, वही सब चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपको कराऊंगी, ताकि आपको ये जो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है वो इजीली समझ में आ जाएगा। सेकंड जो टेक्निक है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट मीन समानाकार वित्तीय विवरण। कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो वर्टिकल एनालिसिस का पार्ट है। किसका पार्ट है, वर्टिकल एनालिसिस का। तो एक नंबर के क्वेश्चन में अगर आपसे पुटअप हो भी जाए कि हॉरिजेंटल एनालिसिस के अंदर क्या आता है, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वर्टिकल एनालिसिस के अंदर क्या आता है, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दो चीजें आ जाएंगी, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। उसके बाद है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस को हम हिंदी में कहेंगे प्रवृत्ति विश्लेषण। इसके रिगार्डिंग भी आपके एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चंस हैं ट्रेंड एनालिसिस के रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है, ट्रेंड का मतलब चेंजेस, कितना घटा है कितना बढ़ा है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो प्रॉफिट्स है, वो कितने घटे हैं कितने बढ़े हैं, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, वो आपको कौन बताएगा, ट्रेंड एनालिसिस बताएगा। उसके बाद है रेशियो एनालिसिस। गाइस रेशियो एनालिसिस का आपका पूरा चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस के बारे में हम उस चैप्टर के अंदर इसको क्लियर कर लेंगे। पूरा चैप्टर है रेशियो एनालिसिस का, वहां पे हम इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद है कैश फ्लो एनालिसिस, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो एनालिसिस जो है वो ऐसा एनालिसिस है जो यह बताता है कि बिजनेस के अंदर कितना कैश आया है और कितना कैश बिजनेस से बाहर गया है। मतलब कैश फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है, अंदर आना, बिजनेस के अंदर कितना कैश आया है और बिजनेस से बाहर कितना कैश
गया है, ठीक है, वो कौन बताएगा? कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस के बाद है ब्रेक इवन एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण। गाइस, ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि बिजनेस के कितनी कॉस्ट आई है और बिजनेस का कितना प्रॉफिट आया है, कॉस्ट को प्रॉफिट के साथ कंपेयर करते हैं। जब आपकी कॉस्ट प्रॉफिट के इक्वल आती है, मतलब जितनी आपने बिजनेस के अंदर लागत लगाई है उतना ही आपको प्रॉफिट हुआ है, मतलब कॉस्ट के बराबर ही आपको प्रॉफिट हुआ है, तो वो कौन बताएगा? ब्रेक इवन एनालिसिस। नेक्स्ट है आपकी टेक्निक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की, फंड फ्लो एनालिसिस, कोष प्रवाह विश्लेषण। गाइस, फंड फ्लो नाम से ही क्लियर है, फंड फ्लो, फंड का मतलब ये होता है कि बिजनेस के अंदर आपकी क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है, कार्यशील पूंजी होती है। वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी का मतलब ये होता है कि बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन, बिजनेस की रोजमर्रा एक्टिविटीज को चलाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है उसको हम बिजनेस के क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं या कार्यशील पूंजी कहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस की कार्यशील पूंजी जो है कितनी हमारी है और कितनी हमने बाहर पे की है, ठीक है, कितनी हमने खर्च की है और कितनी हमारी अभी बची हुई है, उसको कौन बताएगा? फंड फ्लो एनालिसिस। गाइस, फंड फ्लो एनालिसिस जो है इसका पूरा चैप्टर है कैश फ्लो स्टेट, कैश फ्लो का और फंड फ्लो का अलग अलग चैप्टर है जो आप आफ्टर ट्वेल्थ पढ़ोगे, ठीक है। आफ्टर ट्वेल्थ जो भी आपके कोर्सेज होंगे, या तो आप CA करोगे, CS करोगे या ग्रेजुएशन करोगे, तो आफ्टर ट्वेल्थ आपके ये दोनों चैप्टर्स आ जाएंगे, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है। ब्रेक इवन एनालिसिस का भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। रेशियो एनालिसिस का आप अभी पढ़ोगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, ठीक है, ट्वेल्थ में ये आपका सिलेबस है।